अक्सर गणेश विसर्जन के समय कानों में कहीं ना कहीं से ये आवाज आ ही जाती है कि गणपति बप्पा मोरिया अगले वर्ष तो जल्दी आ। क्या कभी आपने ये सोचा है कि गणेश विसर्जन के समय जिस प्रकार का अपमान, जिस प्रकार का व्यवहार हम गणपति जी की प्रतिमा के साथ करते हैं, आपको लगता है कि गणेश जी दोबारा आपके पास आएंगे? कभी नहीं। गणपति महोत्सव प्रारंभ होने से समाप्त होने तक हम बड़े उत्साह के साथ गणपति जी की अपने घरों में या फिर पंडालों में स्थापना करते हैं और उनकी बड़ी भक्ति भाव से पूजा भी करते हैं, तरह तरह के पकवानों का उनको प्रसाद भी अर्पित करते हैं और अनेक प्रकार के अपने मनोरंजन वाले कार्यक्रम भी करते हैं, फिर चाहे वो अश्लील गानों पर नाच हो या फिर और भी तरह तरह की गतिविधियाँ। बड़ी शर्म की बात तो ये है कि इस सब के बाद भी हम ये सोचते हैं कि गणपति जी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखेंगे। सबसे अधिक अचंभव की बात तो ये है कि जब गणेश जी की विदाई का समय आता है, जब गणेश जी के विसर्जन का समय आता है, तो उनका विसर्जन इस प्रकार करते हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए और हमें बताइए ये सही है या फिर गलत। जिन विघ्नहर्ता को हम अपने घरों में इतनी भक्ति के साथ सेवा करते हैं और फिर विसर्जन के समय इतना अपमान क्यों? कहाँ गई हमारी श्रद्धा, कहाँ गई हमारी भक्ति, कहाँ गया हमारा प्रेम? यदि आप गणेश जी को ससम्मान सहित विदा नहीं कर सकते तो अपने घरों में या फिर पंडालों में स्थापना भी ना करें। उनकी ऐसी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? और कोई नहीं, हम सभी हैं। वही लोग हैं जो अपने घरों में और पंडालों में उनकी स्थापना करते हैं और विसर्जन के समय ये व्यवहार करते हैं। ऐसा दृश्य देख कर मन बहुत दुखी होता है कि जिन विघ्नहर्ता की हमने पूजा की उनकी ऐसी स्थिति कि किसी के हाथ नहीं, किसी मूर्ति की आँख नहीं, बहुत ही बुरी दुर्दशा होती है। आपको लगता है कि ये सब करने के बाद भी गणेश जी आपको आशीर्वाद देंगे? उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा? तो कभी नहीं। जो ऐसा करते हैं उनका कभी भी भला नहीं हो सकता, बल्कि पाप के भागीदार ही बनेंगे और दुर्गति को प्राप्त होंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि गणेश विसर्जन के समय गणेश जी की ये दुर्दशा ना होने दें, उन्हें ससम्मान सहित विसर्जित करें, जिससे आपको उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री गणेश।